हे एवरीवन, आज हम करेंगे लेक पॉन्ड एंड रिजर्वायर फिशरीज़। ये सेकंड पॉइंट है। पिछली वीडियो में हमने रिवराइन फिशरीज़ पढ़ी थी, आई होप आपने देखी होगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। तो शुरू करते हैं हम लेक पॉन्ड रिजर्वायर फिशरीज़, मतलब इसके अंदर हमें तीन फिशेज़ पढ़नी है, लेक की, पॉन्ड की और रिजर्वायर्स की। तो लेक होती क्या है? लेक क्या होती है? एक नेचुरली फॉर्म्ड डिप्रेशन होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ जो फिल्ड हो जाता है किससे? वाटर से। मतलब एक नेचुरल वाटर बॉडी है ना। और अगर पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड तो एक मैन मेड है, नॉर्मली मैन मेड ही होती है, और रिजर्वायर से मैन मेड ही होता है। जब डैम्स की फॉर्मेशन होनी होती है तो वहाँ पे रिजर्वायर्स की फॉर्मेशन होती है। तो मतलब ये जो लेक है वो एक नेचुरल है, लेकिन पॉन्ड अगर रिजर्वायर्स की बात करें तो वो मैन मेड है। अगर हम बात करें लेक्स की किन किन तक कितने तरह के होते हैं, अगर हम उसके टेम्परेचर थर्मली की बात करें, थर्मल के बेस पे, तो पोलर लेक होता है। पोलर लेक मतलब काफ़ी ठंडा हो सकता है, तो वही इसका टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और अगर हम बात करें टेम्परेट लेक होती है जिसका टेम्परेचर अगर गर्मियों की बात करें तो 4 डिग्री से ऊपर रहता है, और विंटर्स में 4 डिग्री से नीचे रहता है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल लेक की, तो ट्रॉपिकल लेक का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री, एक अच्छा खासा टेम्परेचर, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल लेक की बात करें तो सब ट्रॉपिकल लेक का टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री से नीचे नहीं जाता, ठीक है। ऐसे हमने कहा था कि इसका ट्रॉपिकल का क्या है, 20-30 के बीच में, लेकिन सब ट्रॉपिकल लेक का 4 डिग्री से नीचे कभी नहीं जाता। और अगर सब पोलर की बात करें तो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर ही रहता है। हमने पढ़ी थी पोलर लेक का टेम्परेचर क्या था, 4 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाएगा, लेकिन सब पोलर का टेम्परेचर हमेशा 4 डिग्री से ऊपर ही रहता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर के बेस पे, मतलब कि वाटर की किस तरह से सर्कुलेशन है, उस बेस पे हमारे लेक्स को भी डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज़ दी मोनोमिक्टिक, नाम से इंडिकेट हो रहा है, मोनोमिक्टिक मतलब सिंगल, जिसमें सर्कुलेशन और सिंगल ओवरटर्न हो, दैट इज़ दी सिंगल सर्कुलेशन या फिर सिंगल ओवरटर्न। डाईमिक्टिक जिसमें 2 सर्कुलेशन होंगे, पॉलीमिक्टिक जिसमें फ्रिक्वेंटली वाटर सर्कुलेशन आते रहते हैं, और ओलिगो सर्कुलेशन होता है जिसके अंदर थोड़ा बिल्कुल स्लो सर्कुलेशन हो, एंड मीरोमिक्टिक लेक जिसके अंदर हमारा सर्कुलेशन होता ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ की अलग अलग लेयर्स में अलग अलग केमिकल डिफरेंस देखने को मिलता है, जिस वजह से वहाँ पे सर्कुलेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाती है, ओके। अच्छा, तो गाइस हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि जो हमारी ट्रॉपिकल लेक है और जो टेम्परेट लेक है, तो नॉर्मली जो ट्रॉपिकल लेक होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है बजाय कि टेम्परेट लेक के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रॉपिकल लेक का जो टेम्परेचर है वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है, नॉर्मल सा टेम्परेचर है, और यहाँ पे पूरे वाटर की आपस में मिक्सिंग होती रहती है। बॉटम का वाटर और सर्फेस का वाटर आपस में मिक्स होता रहता है, जिस वजह से पूरा ऑल ओवर टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा वो नहीं होता, कंटिन्यूसली मिक्सिंग होती रहती है। लेकिन टेम्परेट लेक में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए जो ट्रॉपिकल लेक है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टेम्परेट लेक्स जो है ट्रॉपिकल लेक्स आर मोर प्रोडक्टिव दैन टेम्परेट लेक्स ड्यू टू कंटिन्यूस मिक्सिंग ऑफ सर्फेस एंड बॉटम वाटर फिर डीप वाटर। और यहाँ पे किसी तरह की थर्मोक्लाइन भी नहीं देखने को मिलती इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस मिक्सिंग हो रही है, तो कहीं लेवल से नहीं देख सकते हम कि ऊपर नीचे अलग अलग टेम्परेचर है या नहीं है। लेकिन क्या होता है, टेम्परेट लेक के केस में क्या करते हैं हम, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें समर्स की, समर में क्या होता है, हमारा जो सरफेस वाटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है बजाय कि डीप वाटर के, तो इसलिए यहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें समर के अंदर हमारे यहाँ पे 3 स्ट्रेटा बन जाते हैं, तीन थर्मल स्ट्रेटा बन जाते हैं, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियन। ये हम किस में देख रहे हैं, टेम्परेट लेक्स के देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एपिलिम्नियन, सबसे ऊपर वाली सरफेस वाली है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है बजाय कि लास्ट वन की, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे हम डीप जाते रहते हैं तो इस टेम्परेचर गिरता रहता है, फॉल होता रहता है। फिर अगर हम बात करें थर्मोक्लाइन की, तो थर्मोक्लाइन क्या है, हमारा एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच का एक बैरियर कह सकते हैं हम, तो ये एक काफ़ी इफेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है फर्स्ट और थर्ड के बीच में, मतलब एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच में बैरियर क्यों बोल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमारा ऊपर वाला टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और नीचे वाला टेम्परेचर बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है बाहर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, अगर हम बात करें, और न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज होता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा वैरी कर रहा है। इनके मतलब अलग अलग अपने अपनी थर्मल स्ट्रेटा अलग अलग है, बिल्कुल थर्मल अपनी थर्मल क्वालिटी कह सकते हैं, फिर इनके बिल्कुल कंडीशंस अलग अलग हैं, तो इस वजह से ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं दोनों के बीच का, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल रहने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा हाई और ये बहुत ज़्यादा लो। तो मतलब इसको इतना सीरियसली मत लेना, बस सिंपल से हमें ये चीज़ याद रखनी है कि टेम्परेट लेक्स के अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, 3 तरह के स्ट्रेटा बन जाते हैं, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियन। और
जैसे कि इनके टेम्परेचर की काफ़ी ज़्यादा वेरिंग होने की वजह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ O2 या फिर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और टेम्परेचर डाउनफॉल होता रहेगा जैसे हम डीप में जाते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो थर्मोक्लाइन है वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि जो टेम्परेट लेक्स है वहाँ की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है बजाय कि ट्रॉपिकल लेक्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्मोक्लाइन देखने को मिलता है जिस वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, कुछ खास नहीं हो पाती, तो इसलिए वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है कौन थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो इसके बाद हमने काम भी हमने देख लिया, हमने दो तरह के टाइप्स पढ़ लिए लेक्स की। तो एक टाइप्स और आता है, वो होता है जोनेशन के बेस पे, जोन्स के बेस पे, मतलब टाइप्स नहीं कहेंगे, मतलब लेक्स की अलग अलग जोन्स जो कि हमने पहले पढ़ रखी है, हमने छोटी हमने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ये लेक्स की जोन्स के बारे में। जैसे पहली होती है लाइटोरल, लिमिनेटिक एंड प्रोफंडल जोन। देखने में मतलब अगर हम इससे इसका डायग्राम देखें ना बुक में तो हमें बिल्कुल वैसे भी समझ में आ जाएगा इसको देखते ही, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे नॉर्मल चीज़ें जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, क्या अगर हम बात करें लिटोरल जोन की, लिटोरल जोन के अंदर मतलब सबसे सरफेस वाली, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कैसे मिलेंगे जो फ्लोटिंग टाइप होंगे, एल्गी हो सकती है, फिर रूटेड बेंथिक प्लांट्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें लिमिनेटिक, मतलब बीच वाला जोन है, यहाँ पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी मिलती है, और बिल्कुल प्रोफंडल बिल्कुल लास्ट वाला जोन है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स मिलने के कोई चांस ही नहीं है क्योंकि नो लाइट पेनिट्रेशन। ठीक है, देन बात करें अगर हम कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स सरफेस वाटर है, वही सरफेस पे क्या क्या मिल सकते हैं, टर्टल, फ्रॉग, वाटर स्नेक, फ्लैट वॉर्म्स, एनलिट्स, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। अगर हम बात करें इसके कंज्यूमर के लिमिनेटिक जोन के, तो बीच वाले बात करें तो जू प्लैंकटोन्स, फिशेस, कॉपीपोड, साइक्लोप्स, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। अगर हम बात करें प्रोफंडल जोन के कंज्यूमर्स की, तो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे जो मिलते हैं लाइक फिशेस, ब्लड वॉर्म्स एटसेट्रा चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कुछ लार्वास भी होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे लेक्स के अंदर कैसे कैसे जोन्स मिलते हैं और वहाँ पे कौन कौन से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मिलते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना, अब क्या है सिंपल सी कि अगर ये सबसे सर्फेस वाला है तो यहाँ पे हमें नॉर्मल पता होता है कि क्या क्या मिल सकता है, और बिल्कुल ही बेस वाला है, बॉटम वाला है, तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकते हैं। ठीक है, सो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ लेक्स के नाम लिखे हैं, दैट इज़ दी मानसरोवर लेक, नैनी लेक, ऊटी लेक, भोपाल लेक एंड रामगढ़ लेक, और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये थोड़ी इजी लगी मुझे तो मैंने यही लिख दी। ओके, तो फिशेस की देखते हैं, मतलब मेन तो हमारी फिशेस ही है ना, कि यहाँ पे कौन कौन सी फिशेस मिल रही है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ी थी रिवर सिस्टम में, तो रिवर सिस्टम में हमने जो फिशेस देखी थी वो काफ़ी ईजी थी, लाइक यही थी ना कैटला, रेबियो वगैरह वगैरह, है ना, ये याद होगा आपको, यही हमने देखी थी, चना वगैरह, है ना, सिराइनस, ये भी हमने काफ़ी से देखी थी। और यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं लेक सिस्टम की, तो लेक सिस्टम में भी ऑब्वियस बात है फ्रेश वाटर फिशेस की बात कर रहे हो ना, तो वही मिलने वाली है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं मिलने वाली, तो बस वही है चना, वलगाया, टू पंचियस, सिराइनस, लेबियो, टोर। यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट याद कर लेना कि यहाँ पे एक पॉइसनस फिश भी मिलती है, लेट इज दी टेट्राडोन क्यूटिकुला। ठीक है, अब हम फ्रेश वाटर फिशेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ना हर किसी में हर किसी में सेम ही मिलने वाली है फ्रेश वाटर फिशेस। अगर हम जब मैरोइन फिशेस की बात करेंगे तब वहाँ पे हमारी ये वाले कोई भी फिशेस के नाम नहीं आएंगे, वहाँ सबसे डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद करते हैं पोंड फिशेस, लेक, पोंड और रिजर्वाइज करने थे, तो पढ़ते हैं पोंड फिशेस। तो पोंड फिशेस क्या, पोंड क्या है, हमने पहले ही कहा था ये मैन मेड वाटर बॉडी है और काफ़ी छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और नॉर्मली क्या होता है विलेजेस, स्मॉल टाउन्स में देखने को मिल जाता है। इसकी डिटेल स्टडी हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे हम। तो करते हैं रिजर्वायर फिशेज, रिजर्वायर्स क्या होते हैं, ये काफ़ी बड़ी वाटर बॉडी होती है, जैसे कि मैंने कहा था जब डैम की कंस्ट्रक्शन होनी होती है तब यहाँ पे ये बनते हैं रिजर्वायर। जैसे कि हम कुछ नाम पढ़ लेते हैं, सरदार सरोवर डैम, टहरी डैम, सोकल टहरी बांध हम पढ़ते हैं, तो मैंने ईजी ईजी से थे वही लिख दिए यहाँ पे। अच्छा, बात कर रहे हैं कि हम ये जब डैम से कंस्ट्रक्शन होनी होती है, कहाँ पे, रिवर्स के साइड, रिवर्स के ऊपर ही बनते हैं ना, मतलब डैम से वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होनी होती है तो वहाँ पे रिजर्वायर्स बनते हैं। तो अगर बात करें गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम के कुछ रिजर्वायर्स की, तो गंगा रिवर सिस्टम में रिजर्वायर्स ही होते हैं, ऑब्वियस बात है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ है, मतलब यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, इन सारे जगह पे हमारे गंगा रिवर सिस्टम के रिजर्वायर्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिलने वाली फिशेज वही सेम बिल्कुल लेबियो, मिस्टर, स्टोर, वेलागैटू, ले कैटला, सब कुछ। ओके, देन इसके बाद क्या है हमारा, अगर हम बात करें रिजर्वायर्स इंडस रिवर सिस्टम के रिजर्वायर्स की, तो यहाँ पे वही तो फिश मिलने वाले फिशेस, टोर, लेबियो, मिस्ट्रेस, और ये कहाँ मिलते हैं, हमें गोविंद सागर में देखने को मिल सकता है हमें रिजर्वायर। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे यूपी, वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था, तो यहाँ पे रिजर्वायर सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम का कहाँ पे है, गोविंद सागर में है। अगर हम बात करें ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के रिजर्वायर की, तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारा ईस्ट कोस्ट है उसके अंदर हमारी टोटल चार तरह की नदियाँ थी। तो अगर हम बात करें महानदी, तो महानदी और कृष्णा, तो दो हम यहाँ पे मेनली दो को डिस्कस करते हैं, इनके रिजर्वायर्स की बात करते हैं, तो इनके
रिजर्वायर्स में कौन कौन सी फिशेज़ देखने को मिल जाती हैं, वही कार्प्स, कैटफिश, लेबियो, मिस्टर स्पंटिस्टो, मैंने वही पहले ही कहा था आपको कि हर किसी में हमें सेम देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे भी सेम ही है, हर जगह सेम ही फिशेज़ हैं। फिर आते हैं रिजर्वायर्स, अगर बात करें वेस्ट कोस्ट की, वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के रिजर्वायर्स की, तो उसमें भी हमारी हमने दो तरह की नदी पड़ी थी, नर्मदा नदी एंड तापी नदी, तापी है ना, तो यहाँ पे मिलने वाली फिशेस लेबियो, सिराइनस, मिस्टर्स, सिंपल कुछ सेम है गाइस। हमें चैप्टर देखने को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे एक बार स्टडी करोगे तो सब में सेम तरह के एग्जाम्पल है, और हमें सिर्फ डील तो फिशेज से ही करना है ना, हमें क्या मतलब कि वो कितनी किलोमीटर है, कितनी, बस एक बार थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कितना किलोमीटर में है वो रिवर कितनी किलोमीटर में फैली हुई है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये सब चीज़ें, अदरवाइज फिशेज सब में सेम है। ये मैंने वही जीनस लिखे हैं, स्पीसीज आप लिख लेना, एक दो के तो याद होते हैं हमें, लेबियो रोहिता, मिस्टर सिंघेला, फिर वेलागाटू तो मैंने लिख ही रखा है, और इसी तरह के काफ़ी सारे टोर, ठीक है गाइस। हमारा लास्ट बचता है कोल्ड वाटर फिशरीज। कोल्ड वाटर फिशरीज मतलब नाम से इंडिकेट हो रहा है कोल्ड वाटर है, तो मतलब ये हिल स्टीम्स या फिर किसी पूल्स में या फिर मैन मेड रिजर्वायर्स हो सकते हैं, और इसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है, CO2 कम होती है, और वेलोसिटीज की काफ़ी ज़्यादा होती है। और नॉर्मली जो कोल्ड वाटर फिश कोल्ड वाटर्स हैं मतलब ये बनते कैसे हैं, ये स्नो के मेल्टिंग से या फिर रेन से ये बन जाते हैं। और अगर हम बात करें नाम से इंडिकेट हो रहा है कोल्ड वाटर है, और हमने कहा कि हिल स्टीम्स में हिल स्टीम्स इसके अंदर आ सकते हैं जैसे कि, तो इसका मतलब ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर इन जगहों पे मिल जाते हैं जो कि थोड़ा ठंडा इलाका हो सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिलने वाले फिशेस लेबियो, टोर, साल्मो, पंटेस्टिंग का अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे कि हमने अभी कहा कि ये कोल्ड वाटर फिशेस हैं, मतलब ये स्टीनोथर्मल जा सकते हैं, एक नैरो रेंज में ये अपने आप को टॉलरेट कर सकते हैं, तो इट्स अ स्टीनोथर्मल। तो यहाँ पे जो कुछ हमने फिशेज़ के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये हमारी थोड़ी प्रोमिनेंट स्पीसीज़ हैं, प्रोमिनेंट मिलने वाली फिशेज़ हैं कोल्ड वाटर में, कौन कौन सी, टोर वाली, टोर की दो स्पीसीज़ हैं और सैल्मो की दो स्पीसीज़ और एक टिंका, ठीक है। तो टोटल 5 तरह के हमारे यहाँ पे प्रोमिनेंट फिशेज होती हैं जो कि कोल्ड वाटर में देखने को मिल जाते हैं, प्रोमिनेंट की बात कर रहे हैं। अगर बात करें टोर की, अगर हम टोर या फिर टोर और एक और स्पीसीज है जिसे हम गोल्डन मैशीर बोलते हैं, दो स्पीसीज, एक तो टोर जिसको मैंने ये लिखा हुआ, और एक स्पीसीज है टोर, एक और इसकी स्पीसीज है, उसे हम बोलते हैं गोल्डन मैशीर। अगर हम बात करें इनके, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से किस सीज़न में ब्रीड करते हैं और किस सीज़न में वो स्पॉनिंग, इस तरह से चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें हिमालयस के साइड, तो ये हिमालयस में मिलते हैं टोर, और ये इसकी यंग स्टेज इंसेक्टिवोरस होती है, और एडल्ट स्टेज हर्बीवोर होती है, बिल्कुल नॉर्मल। अगर बात करें सैल्मो की, तो सैल्मो की दो स्पीसीज होती हैं, एक तो होती है रेनबो ट्राउट, दूसरी होती है ब्राउन ट्राउट। रेनबो ट्राउट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें वैरायटी ऑफ कलर्स में मिल जाती है, दूसरी होती है ब्राउन ट्राउट, दो तरह की स्पीसीज होती है, ठीक है। और ये किसी भी, और ये जो है ईजिली अडेप्ट हो जाती है आर्टिफिशियल फूड अगर हम इसे प्रोवाइड करें तो, जल्दी अडेप्ट हो जाती है और हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर सकती है। और आर्टिफिशियल ब्रीडर भी होती है नेचुरल, मतलब नॉर्मल तो नेचुरल ब्रीडर्स होती हैं, ठीक है, और मतलब वाटर बॉडी में नेचुरल ब्रीडिंग हो जाती है, कोई आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती इतनी, अगर हो भी जाए तो ये इजिली अडेप्टेड है आर्टिफिशियल फूड्स के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें उसी सैल्मो की दूसरी स्पीसीज दैट इज द ब्राउन ट्राउट, तो वो थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है वाटर की क्वालिटी कितनी है उसकी क्वान्टिटी के टुवार्ड्स। और अगर बात करें टिंका की, तो टिंका को हम डॉक्टर फिश भी बोलते हैं, और वही यंग स्टेज पर ये फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करती है, और अगर एडल्ट स्टेज पर ये वेजिटेबल डेब्रिस पे फीड्स करती है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा गाइस कि हमारे जो मैंने अभी आपको 5 स्पीसीज बताई हैं सैल्मो की, टोर की, टिंका की, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इनफ ही लिखा है, क्योंकि उसमें मैंने देखा था कि जैसे कि हमें ब्रीडिंग्स के बारे में बता रखा है कि वो किस सीज़न में ब्रीड करते हैं किस सीज़न में नहीं, तो आप थोड़ा सा इसको ज़रूर पढ़ना अपनी बुक से, तभी आप थोड़ा सा और लिखना इसके बारे में, ठीक है। मैंने एक लिमिटेड सा लिखा है, ओके। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम ब्रैकिश वाटर कल्चर।